नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल के 14वें सीजन का 27वां मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता लेकिन पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही थी और शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इसके बाद मोइन अली और फाफ डु प्लेसिस ने मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, खासकर मोइन अली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। इस दौरान पारी का 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर मोइन अली ने एक इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भी अपने आप पर भड़क उठा। जी हां, एक स्लोअर वन गेंद थी जो लेग साइड पर थी, मोइन अली ने जस इसे फ्लिक कर दिया और ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर एक बड़े छक्के के लिए चल गई। बुमराह को यकीन नहीं हो रहा था कि स्लोअर वन गेंद पर मोइन अली ने सिर्फ फ्लिक किया था और गेंद इतनी दूर चली गई। अपने पहले ही ओवर में बुमराह ने 9 रन लुटा दिए थे। आपको बता दें, मोइन अली और फाफ डु प्लेसिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इसके बाद भी जारी रही। इस दौरान मोइन अली ने शानदार अर्धशतक जड़ा। इसके बाद पारी का 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोइन अली से अपना बदला चुकाया। जी हाँ, इस ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार बाउंसर पर मोइन अली को छकाया। मोइन अली इसे रैंप करना चाहते थे लेकिन वो सीधे क्विंटन डिकॉक के हाथों में गेंद को खेल बैठे। मोइन अली ने इस मुकाबले में 36 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली जिसमें 5 चौके और 5 छक्के लगाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।